नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे वर्णमाला। हिंदी की जो वर्णमाला है और संस्कृत की वर्णमाला, दोनों में अंतर है, क्योंकि संस्कृत जो भाषा थी उससे क्या हुआ है, हिंदी भाषा आई है, लेकिन कितना समय हो चुका, बहुत समय हो चुका है, इसलिए दोनों की जो वर्णमाला है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। तो देखेंगे क्या अंतर आया है। जैसे कि हमने देखा है कि संस्कृत भाषा है उसकी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं आज हम देखेंगे। देखो हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं, तो ये है अ आ आ ई ई उ ए ऐ ओ अ, 11 है, ठीक है। इसके बाद में अयोगवा देखेंगे, अमर आ हो गया। और जो संस्कृत के व्यंजन हैं वो तो जैसे के वैसे है, 33 व्यंजन, लेकिन जो नए जुड़े हैं हिंदी में, नए व्यंजन कौन कौन से जुड़े वो देखेंगे। तो जैसे हिंदी है ना, देखो ये हिंदी के जो नए व्यंजन आए हैं ड और ड, ये दो नए व्यंजन जुड़ चुके हैं। उसके अलावा न म र और ल, इसके महाप्राण रूप आए हैं। कैसे, न म र और ल, ये कहाँ से आया? तो देखो जैसे कि यहाँ लिखा है कल्पना, कल्पना, इसका जब हम उच्चारण करते हैं कल्पना, तो ल का उच्चारण किधर आता है, क के साथ आता है, ठीक है, आता है। लेकिन जैसे हम इसमें देखेंगे कि कुल्हाड़ी है ना, ठीक है, कुल्हाड़ी शब्द है, तो इसका उच्चारण देखो कुल्हाड़ी, ल का उच्चारण किसके साथ जा रहा है, ह के साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा है, ये याला वर्ण है ना, ल, मतलब कि ल का महाप्राण रूप है। तो ऐसे चार वर्ण है जिनका उच्चारण विपरीत होता है ना, बाकी तो जितने भी वर्ण है जो संयुक्त वर्ण है, तो जो संयुक्त वर्ण होता है आधा वर्ण, वो हमेशा आगे वाले साथ में बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो चारों है न म र और ल है ना, इनका कैसे इसके विपरीत होता है, इसलिए इसके महाप्राण रूप इसे कहा गया। तो चार ये नए वर्ण और जुड़ गए हिंदी में। अगर इसमें हमको मात्रा लगाना है तो जो छंद का नियम है उसके अनुसार क्या है कि जहाँ संयुक्त वर्ण आता है उसके सामने वाला कैसा हो जाता है, गुरु हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ मात्रा लगेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ एक और यहाँ पे दो और दो मात्रा लगेंगी, यहाँ डबल नहीं करना है, क्या संयुक्त वर्ण है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ल का उच्चारण किसके साथ हो रहा है, हा के साथ, तो डबल कहाँ आएगा, यहाँ पे। मात्रा कैसे लगती है, उच्चारण के अनुसार है ना। मात्रा की परिभाषा भी है कि स्वर में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो समय अधिक जहाँ लगेगा वहां पे डबल मात्रा होंगी। यहाँ नियम ऐसा क्यों बना कि यहाँ पे दीर्घ कैसे हुआ, कि कल, अभी क और ल का उच्चारण हो रहा है तो डबल हो रहा है, या समय ज्यादा लग रहा है इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया, और यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, ठीक है। तो इस प्रकार से चार यहाँ पे नए वर्ण जुड़े, और पांच ग्रहित व्यंजन, मतलब कि ग्रहित व्यंजन दूसरी अन्य भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमने ग्रहण किया है। किसको किसको ग्रहण किया है, क ख ग ज प, ये क ख ग ज प, ये अलग है ना, इसमें क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है इसमें, ठीक है, पांचों वर्ण में। इनका और इनका उच्चारण अलग है, ठीक है, शब्द में भी इनका अलग अलग उच्चारण होता है, ठीक है। अब देखो ग्रहित व्यंजन में कितने हो गए, पांच हो गए। अब कुल वर्ण कितने हो गए, 11, तो स्वर हो गए। अयोगवा ध्वनि कितनी होगी हमारे पास में, आमरा दो हो गई, और व्यंजन कितने हो गए, 33। 33 के बाद में दो व्यंजन ये हो गए, कितने हो गए, 35। 35 के बाद में ये 9 हो गए, तो 35 और 9 कितने हो गए, 44 व्यंजन हो गए। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 13 और 44 कितने हो गए, 57, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 57 वर्ण होते हैं, और संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, ठीक है, 52 वर्ण होते हैं। और इसमें जो चार वर्ण है जो दिख नहीं रहे है ना, कौन कौन से, अक्ष त्र अस्र, ठीक है, इनको वर्णमाला में क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि संयुक्त अक्षर है, ये इन्हीं वर्णों से मिलके बना हुआ है। अगर इनको भी गिनने लगे तो ऐसे तो बहुत वर्ण होते हैं जो आधे आधे जुड़े होते हैं। अब ये वर्ण किस किस से मिलके बना होता है, आधे क और स से मिलके बना है, ठीक है। देखो क भी है यहाँ पे और स भी है, ये इसी से मिलके बना है, तो इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस ये चारों को क्या कहते हैं, हम चारों को कहते हैं संयुक्त अक्षर।
चारों है संयुक्त अक्षर। ठीक है, अब त्र किससे मिलकर बना है, आधे त और र से। यह किससे मिलकर बना है, आधे ज और अण से। ठीक है, और स्र किससे मिलकर बना है, आधे स और र से। अब देखो इसका उच्चारण क्या होता है, ज्ञ ज्ञ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, ज है, यहाँ होना चाहिए था ग, है ना। वैसे इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, ज्ञ ही है, लेकिन जो उत्तर भारत में इसे क्या बोलते हैं, ज्ञ ज्ञ बोलते हैं ना। तो तब से क्या हुआ, पुराने समय से वैदिक समझ से क्या हुआ कि हम ज्ञ को क्या करने लग गए, ज्ञ का उच्चारण करने लगे इसका। ठीक है, ज्ञ ना बोल के क्या बोलने लग गए, ज्ञ। इसलिए इसका उच्चारण ये इस टाइप से हो गया, लेकिन शुद्ध उच्चारण जो है उसका ज्ञ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं, अयोगवाक ध्वनि कितनी है, व्यंजन कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वर्णमाला को समझ लिया। धन्यवाद।